फिर एक बार मोदी सरकार ने देश को फिर एक बार महंगाई की मार दी है। थोक महंगाई की दर जून महीने में भी अपने उच्चतम स्तर पर बरकरार रही। बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक जून में थोक महंगाई दर 12.07% दर्ज की गई है। ये मई महीने में 12.94% आंकी गई थी। जून में थोक महंगाई दर में गिरावट के बावजूद पिछले साल के लो बेस के चलते ये लगातार तीसरे महीने दोहरे अंकों में रही। पिछले साल जून 2020 में थोक महंगाई दर -1.81% थी। लगातार 5 महीने की बढ़त के बाद जून महीने में थोक महंगाई दर में नरमी आई। थोक मूल्य सूचकांक मई के स्तर से 0.75% बढ़ा। ईंधन और बिजली की कीमतों में 2.9% की वृद्धि हुई, जो सूचकांक में शामिल प्रमुख समूहों में महीने दर महीने आधार पर सबसे अधिक है। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के भाव में तेजी के बावजूद खाने पीने के सामानों और क्रूड ऑयल के भाव में नरमी के चलते ये कमी देखने को मिली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मुताबिक जून 2021 में महंगाई की इतनी ऊंची दर लो बेस इफेक्ट और जून 2020 के मुकाबले पेट्रोल, डीजल, नाफ्ता, ATF, फर्नेस ऑयल जैसे मिनरल ऑयल्स के भाव में बढ़ोतरी और बेसिक मेटल, फूड प्रोडक्ट्स, केमिकल प्रोडक्ट्स जैसे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के भाव में तेजी के चलते रही। तेल और पावर बास्केट में महंगाई मई में 37.61% के मुकाबले घटकर 32.83% पर आ गई और खाने के सामानों की महंगाई मई में 4.31% से घटकर महंगे प्याज के बावजूद घटकर 3.09% पर आ गई। इसके विपरीत मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसका इन्फ्लेशन मई में 10.83% से बढ़कर जून में 10.88% पर पहुंच गया। केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले महीने अपनी मौद्रिक नीतियों में ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं करने का फैसला किया था। ब्याज दरें रिकॉर्ड निचले स्तर पर बनी हुई है। RBI ने कहा कि ग्रोथ को सहारा देने के लिए वो अपनी नीतियों को बनाए रखेगा और इसमें फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। खुदरा महंगाई की बात करें तो ये लगातार दूसरे महीने RBI के कंफर्ट लेवल 6% से ऊपर बनी हुई है। इस हफ्ते की शुरुआत में केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक खुदरा महंगाई जून 2021 में 6.26% पर रही। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।